हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूजेस ऑफ नो एसक्यूएल को। यूजेस ऑफ नो एसक्यूएल की हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नो एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देख लिया था, यहाँ पे हम इसके यूजेस के बारे में देखेंगे कि कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, यूजेज ऑफ नो एसक्यूएल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बात करेंगे हम नो एसक्यूएल के यूज़ की। तो जैसा कि हम बिजनेस में देखते हैं, हम जानते हैं कि नो एसक्यूएल का यूज़, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको यूज़ इसका जानने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पता होगा कि नो एसक्यूएल एक्चुअल में क्या होता है। ये आपका एक फ्लेक्सिबल डेटाबेस है, यानी यहाँ पे हम कितने भी ज़्यादा अमाउंट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ईजिली मैनेज कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा एडवांटेज कहाँ मिलता है? बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारे हमें डेटा जो है बहुत जल्दी जल्दी आपको डेटा जो है वो मिलता रहता है, कलेक्ट होता रहता है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो। तो बिजनेस में हमारा लार्जर डेटा सेट्स में आपका लार्जर डेटा सेट्स जो है वो मिलते रहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में डेटा मिलता रहता है और वो सारा इकट्ठा होता रहता है और जल्दी जल्दी होता रहता है। इसमें आपका जो स्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड डेटा अगर हम बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे या फिर रिलेशनल स्कीमा का यूज़ करेंगे, जैसे टेबल हो गया, तो टेबल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को ही स्टोर कर पाएगा, जबकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा डेटा होता है और इतनी ज़्यादा डेटा को अगर हम स्टोर करने के लिए या मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर डेटा का यूज़ करेंगे तो ये हमारा इसके लिए फिट नहीं होगा, क्योंकि डेटा हमारा ज़्यादा है और जो आपका स्ट्रक्चर्ड आपका मॉडल है वो आपका उसके लिए बहुत ही साइज में कम हो जाएगा। ठीक है, सो ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या करें, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज़ करें, यानी ऐसा डेटा जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, यानी वो उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें नो एसक्यूएल का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड अगर डेटा है या लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको आपका बेटर वे में ये क्या कर पाएगा, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा उसमें आप इंफॉर्मेशन को बेटर वे में कैप्चर कर पाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो वहाँ पे आप नो एसक्यूएल का यूज़ करके आप उन डेटा को, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ईजिली उसको मैनेज भी कर सकते हैं। हम अगर बात करें ट्रेडिशनल RDBMS की, यानी जो आपके पहले यूज़ होते थे नॉर्मल RDBMS, उसमें आपका यूज़ होता था SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के सिंटेक्स को यूज़ किया करते थे हम, कहाँ, ट्रेडिशनल RDBMS में। ठीक है, वहाँ पे हम उन SQL के सिंटेक्स को यूज़ करके हम क्या करते थे, डेटा को स्टोर भी करते थे, डेटा को रिट्रीव भी करते थे, और ये सारा जो स्टोरेज और रिट्रीवल डेटा का था वो सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा के लिए ही था। ठीक है, यानी ये जो आपके स्ट्रक्चर डेटा होंगे वो टेबल्स में जनरली स्टोर होते थे। अगर इसका उल्टा हम देखें तो नो एसक्यूएल में क्या होता है, जो नो एसक्यूएल के डेटाबेस होते हैं इसमें आपकी वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर आप कर सकते हैं और इसके थ्रू आप स्ट्रक्चर डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रक्चर डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड है या पॉलीमॉर्फिक डेटा है, दोनों को आप, किसी भी तरीके का डेटा है उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है नो एसक्यूएल और उसकी मदद से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, जिस भी टाइप का डेटा हो, स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो या पॉलीमॉर्फिक डेटा हो, सभी तरह के डेटा को आप इजीली वहाँ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका नो एसक्यूएल है उसको कहा जाता है नॉट ओनली एसक्यूएल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी एसक्यूएल के लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेगा, यानी एसक्यूएल के डेटाबेस को भी सपोर्ट करेगा। सिर्फ अंतर क्या है,
अंतर सिर्फ एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में अंतर क्या है, यहाँ पे आपका एसक्यूएल के अंदर जो है वो जॉइन फंक्शनैलिटी पाई जाती है, ठीक है। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है, जॉइंट फंक्शनैलिटी का। एसक्यूएल डेटाबेस जो हम पहले यूज़ किया करते थे उसमें जॉइन क्लॉज का यूज़ करते थे, यानी जो दो टेबल्स हैं उनमें जो दो रो हैं उनको हम अगर कंबाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम जॉइन क्लॉज को यूज़ करते थे, ठीक है। क्योंकि आपका नो एसक्यूएल में क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस कभी भी टैबुलर डेटा को फॉलो नहीं करता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है, तो यहाँ आप टैबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। और ये आपका जो नो एसक्यूएल है ये आपका इस तरह के डेटा को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली जॉइन डिपेंडेंसी नहीं होती है वहाँ पे, जॉइन फंक्शनैलिटी नहीं होती है सॉरी, और जॉइन क्लॉज जो है वो वहाँ पे यूज़ नहीं होता है नो एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, तो इसका यूज़ सबसे पहले हम करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट में। कंटेंट मैनेजमेंट इन द सेंस, आप कंटेंट किसी भी टाइप का हो, यानी कंटेंट मतलब डेटा, ठीक है। तो कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि सेट ऑफ प्रोसेस फॉर द कलेक्शन मैनेजिंग डिलीवरी एंड रिट्रीवल, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको कलेक्ट करना, उसको मैनेज करना, उसको डिलीवर करना या उसको रिट्रीव करने के लिए हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो कंटेंट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, डिलीवर करते हैं और रिट्रीव भी करते हैं, और उसके साथ साथ पब्लिश करने का भी काम करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपका टेक्स्ट भी आ जाएगा, इमेज आ जाएगी, ऑडियो वीडियो ये सारे कुछ आ जाएंगे आपके कंटेंट के अंदर। कंटेंट को मैनेज करना ही आपका कंटेंट मैनेजमेंट कहलाएगा। नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो बेटर ऑप्शन है जिसमें आप मल्टीमीडिया कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं, और ये मल्टीमीडिया कंटेंट चाहे जितना बड़ा हो, साइज में जितना बड़ा हो, चाहे जिस टाइप का डेटा हो, ये आपका इजीली स्टोर हो जाएगा नो एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ये आपका फ्लेक्सिबल है और ओपन हैंडेड डेटा मॉडल को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ है मोबाइल एप्लीकेशंस। जितने भी स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, बहुत सारे आपके स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, वो आपके बिजनेस में इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं उससे अपने सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या करता है, ये आपको फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल प्रोवाइड करता है, और इसके थ्रू आप अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में जो भी आप डेटा, जिस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, चाहे वो ह्यूज अमाउंट में हो, वो इजीली आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नो एसक्यूएल एक परफेक्ट सोल्यूशन है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। अगर हम वेदर चैनल की बात करें तो कोई भी वेदर चैनल है वो यूज़ करता है MongoDB डेटाबेस को। MongoDB डेटाबेस की हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, तो MongoDB डेटाबेस जो है वो क्या करता है, मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करता है पर मिनट, एक मिनट में मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट को वो हैंडल करता है, और यूज़र के डेटा को प्रोसेस कर भी करता है, उसके साथ साथ जो भी वेदर के अपडेट्स हैं उनको भी डिलीवर करने का काम करता है आपका MongoDB डेटाबेस, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम यूज़ करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस का IoT के अंदर। जितनी भी IoT डिवाइसेस हैं उसमें आपका सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, साथ साथ उसमें सेंसर लगा होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और जितने भी आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं उससे हम डेटा को शेयर करते हैं बिना किसी ह्यूमन के इंटरैक्शन के, ह्यूमन के इंटरवेंशन के, यानी ह्यूमन का वहाँ पे कोई भी हाथ नहीं होता है, वहाँ पे हम इजीली नेटवर्क के थ्रू डेटा को शेयर इजीली करते हैं। तो जितनी भी बिलियन ऑफ डिवाइसेस हैं जो आपके बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को जनरेट कर रही हैं, वो सारे डेटा IoT के थ्रू जो है जो जनरेट हो रहे हैं उसको मैनेज करने का काम भी नो एसक्यूएल डेटाबेस करता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबल स्कीमा को प्रोवाइड करता है, और इसके थ्रू IoT सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, इजीली अपने डेटा को मैनेज भी कर पाता है। तो हम IoT के अंदर भी नो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशंस हैं, ये आपके, आप कह सकते हैं यहाँ यहाँ आपका इन सभी जगहों पे हम यूज़ करते हैं किसका, नो एसक्यूएल का। तो यूजेस हमने आज पढ़ लिया, इसके बाद मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी वो होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ नो एसक्यूएल। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और
अगर आप चाहते हैं पूरा प्लेलिस्ट आपके आपको मिले तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।